गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हमने करना है वर्ल्ड बिल्डिंग। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो दो वर्ड्स हैं उनको आप में ये चेक करना है कि कौन कौन से किसमें मैच हो रही है, जिसमें राइम्स एक जैसी हैं। अब देखो, पढ़ो इसको, क्या है ये? मैच हो रहा है? हीट और स्ट्रीम। फिर है ब्लोज और गोज, हो रहा है? यस सर। फिर है डू, हो रहा है? यस सर। हार्ड और यार्ड। फिर है बाउल, हो रहा है? यस सर। काउ, सो, नो सर। लेवन, टेबल, यस सर। ओके, यस सर। अब देखो, हमारे पास दूसरी जो एक्टिविटी है वो है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोयम। अब वो बोल रहे हैं कि जो पोयम हमने पढ़ी है उसमें जॉयफुल किस चीज के लिए बोला गया था? साइट। वेरी गुड, जॉयफुल साइट। साइट। लिटिल कार्ट। कार्ट। राउंड अम्ब्रेला। वेरी गुड, राउंड अम्ब्रेला। What are the describing words used in the poem for the following? अब इसके लिए बोल रहे हैं वो describing words क्या use किए गए थे? Moons। Ice cream का वो cream जो ऊपर से उसकी। हाँ, तो क्या लिखोगे उसके लिए? Cooling। Cooling। Cooling brown and white moon। Cooling brown। Brown and white। White moons। ठीक है? अब है आपका flavor। कौन कौन से फ्लेवर के थे? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट, वनीला, वनीला, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, बेरी। क्लस्टर, क्लस्टर बच्चों का घेरा, किसी का भी घेरा। तो क्या था वहां पर क्लस्टर? बच्चों का झुंड। थिक क्लस्टर, बच्चों का घेरा था ना एक? यस सर। थिक क्लस्टर लिख सकते हो आप, चिल्ड्रंस क्लस्टर लिख सकते हो, ठीक है? यस सर। अब बोले कलर द बॉक्सेज विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशनड इन ईच। अब यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स के फ्लेवर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी लिखे हुए हैं वही कलर इन बॉक्सेज में लगाने हैं। जैसे चॉकलेट है, तो चॉकलेट में आप कौन सा कलर लगाओगे? ब्राउन। वनीला में? ओके। ऑरेंज में? ऑरेंज। ब्लैक करंट में? ब्लैक। स्ट्रॉबेरी में? रसबेरी में? बटर स्कॉच में? हल्का पीला। येलो। पिस्ता में? हल्का ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड। डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट्स, फील्स एटसेट्रा। अब आपको बोल रहे हैं कि एक आइसक्रीम इमेजिन करनी है, ठीक है। और उस आइसक्रीम को इमेजिन करने के बाद उसमें आपको एक थोड़ी छोटी सी चार पांच सेंटेंसेज में उसकी एक स्टोरी लिखनी है कि वो कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। कैसे हो सकती है आपकी आइसक्रीम? ओके। रॉकेट आइसक्रीम। ओके, किसी भी टाइप की आइसक्रीम हो सकती है, वो आपको सारी यहाँ पे स्टोरी में लिखना है। अब देखो, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हैव यू एवर ईटन कुल्फी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? द फॉलोइंग सेंटेंसेज डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड, बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुल्फी जो आइसक्रीम है उसको बनाने का प्रोसेस बताया गया है, ठीक है, लेकिन वो सिक्वेंस में नहीं है, ठीक है। मतलब हो सकता है चौथे वाला पहले पे है, या पहले वाला तीसरे पे, या चौथे पे, ठीक है। अब हम एक एक करके रीड करते हैं और आपको वहाँ पर नंबरिंग करनी है कि कौन सा पहला आना चाहिए, फिर कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा और कौन सा चौथा। सबसे फर्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन द प्लेट। वो क्या करते हैं, कुल्फी को कहाँ डालते हैं? प्लेट में। दूसरा सेंटेंस है, देन ही पावर्ड सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। वो क्या बोल रहे हैं कि उसके ऊपर क्या मिलाते हैं, वो कुछ मीठा कुछ मिलाते हैं, सिरप जैसे कि रूह अफ़ज़ा या कुछ मिलाते हैं, और उसके बाद उसको सर्व करते हैं। द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर। कुल्फी वाला क्या करता है, जो कुल्फी का जो आइटम होता है, मोल्ड होता है, उसको क्या निकालता है, अपने घड़े के अंदर से बाहर निकालता है। और लास्ट है, ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट, और उसके ऊपर वो क्या करता है, कुछ फलूदा मिलाता है। तो कौन सा होना चाहिए सबसे पहला? ओके, द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर, पिचर से निकालता है, उसके बाद ये वाला।
उसके बाद उस कहाँ डालता है उसको, प्लेट में सेकंड नंबर पे, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे, हाँ, उसके ऊपर क्या मिलाता है वो, फलूदा, और लास्ट में ओके, ठीक है। तब आपने जो काम करना है, अभी आपने ये काम करना है कि आपको जो अपनी ड्रीम आइसक्रीम है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, ओके। ये ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को भी आप एक बार पढ़ सकते हो, और इसी के बेसिस पे आप अपने लिए भी एक डिस्क्रिप्शन नया बना सकते हो, जैसी भी आइसक्रीम के बारे में आप सोच रहे हो।